सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सोमवार का दिन जाह्नवी कपूर के लिए बहुत बड़ा और खास रहा। उनकी पहली फिल्म धड़क का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसमें पापा बोनी कपूर, बहन खुशी कपूर, चाचा अनिल कपूर और भाई मोहित मारवाह मौजूद थे। वहीं अर्जुन कपूर ने भी बहन के लिए खास संदेश भेजा था। मौके पर पूरा परिवार मौजूद था, फिर भी श्रीदेवी की कमी खली। जैसे ही पत्रकारों ने श्रीदेवी को लेकर जाह्नवी कपूर से सवाल पूछा, उनकी आवाज भर आई। एक पत्रकार ने जाह्नवी से पूछा, फिल्म की शूटिंग जब राजस्थान में हो रही थी तब श्री मैम भी वहाँ मौजूद थी, आप उसे किस तरह से देखती हैं? सवाल सुनते ही जाह्नवी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि वो माँ को बहुत मिस कर रही है। वहीं स्टेज पर उनके बगल में खड़ी खुशी कपूर की आंखों में आंसू छलक पड़े। इवेंट में माँ का जिक्र उठते ही खुशी कपूर अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और बहन जाह्नवी से लिपट कर रोने लगी। फिल्म धड़क एक गरीब दलित लड़के और ऊंच जाति की लड़की की प्रेम कहानी है। फिल्म में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर लीड रोल में है। यह फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई मराठी फिल्म सैराट की हिंदी रीमेक है। फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है, वहीं शशांक खेतान ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ये फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।